वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर फाइनल वीडियो ऑफ दिस लोडी डायनेस्टी। दिस इज द सेकेंड एंड फाइनल वीडियो ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट बहलोल लोदी, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टू रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। दे आर सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। तो यहां पर आप देखिए कि लोदी वंश में तीन ही शासक हुए, बहलोल लोदी जो कि संस्थापक था, उसके बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी, और फिर सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी का शासनकाल 1551 से 1489 एडी, सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 एडी, और इब्राहिम लोदी जो अंतिम शासक हुआ उसका शासनकाल 1517 से 1526 एडी तक। तो आज हमारा टॉपिक सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी पर है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने बहलोल लोदी को पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। हमने बताया था कि ये लोदी वंश जो है, हाँ, इनका ओरिजिन जो था ये अफगानिस्तान से था, ये मूलतः अफगान के थे। और यही फर्क है जो दिल्ली सल्तनत के पहले चार वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, इनका ओरिजिन जो था ये तुर्किस था, जबकि इनका संबंध अफगानिस्तान से था। तो यही से प्रश्न बन जाता है, पहले मैंने बताया था कि एक प्रश्न यही से बन जाता है कि क्या फर्क है, ठीक है। तो ये तुर्किस ओरिजिन के हैं जबकि ये अफगान मूल के हैं, ठीक है, अफगान मूल के हैं। और मैंने बताया था, देखिए अफगान मूल के हैं, शासनकाल इनका 1451 से 1526 एडी, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बेसिकली ये अफगानिस्तान की एक ट्राइब थी, एक कबीला था, गिजलई कबीला, उसी की एक शाखा थी, साहू खेल शाखा। ये मैंने बता दिया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये गुलाम वंश से लेकर सैयद वंश तक जो थे, ये दिल्ली सल्तनत के पहले चार वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद, इनका ओरिजिन तुर्किस था जबकि ये अफगान मूल के थे, ठीक है। और अफगान मूल में भी सवाल आता है कि ये गिजलई ट्राइब से बिलोंग करते थे, गिजलई कबीला से बिलोंग करते थे, और गिजलई कबीला जो में एक शाखा थी, ठीक है, साहू खेल शाखा, ठीक है, ये इसी गिजलई कबीला की या गिजलई ट्राइब की एक सब डिवीजन थी, ठीक है, साहू खेल शाखा, तो इससे ये बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा कबीला है, गिजलई कबीला, या कौन से ट्राइब है, गिजलई ट्राइब, और इसी गिजलई ट्राइब का एक सब डिवीजन है साहू खेल, ठीक है, उसी से बिलोंग करते थे ये लोदी। ये मैंने बता दिया था आपको, और हमने बहलोल लोदी पे चर्चा की थी, ठीक है। अफगानिस्तान ये हो गया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहलोल लोदी की हमने चर्चा की थी, शासनकाल 1451 से 1489 एडी तक। और बहलोल लोदी के बारे में मैंने बताया था कि बहलोल लोदी एक घोड़े का व्यापारी था जिसका व्यापार सैयद वंश के शासकों के साथ चलता था, ठीक है। ये बाद में सरहिंद का, सैयद वंश के समय ही सरहिंद जो पंजाब में है, भारतीय पंजाब, सरहिंद जो है ये भारतीय पंजाब में है, ठीक है, यहीं पे ये इसी का गवर्नर बनता है सैयद वंश के समय ही, ठीक है। और जब सैयद वंश के तीसरे शासक महमूद शाह के समय, मालवा का शासक महमूद खिलजी, मोहम्मद शाह के समय, सैयद वंश का तीसरा शासक मोहम्मद शाह है, उसी के समय मालवा का शासक महमूद खिलजी आक्रमण करता है दिल्ली सल्तनत पर, और उस समय सरहिंद के गवर्नर के रूप में बहलोल लोदी मदद करता है मोहम्मद शाह की, जो सैयद वंश का तीसरा शासक है, मदद करता है, और उसकी मदद से खुश होकर जो मोहम्मद शाह है उसे अपना पुत्र भी कहता है, और उसे एक उपाधि भी देता है, टाइटल देता है खाने खाना की। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बहलोल लोदी को किसने पुत्र कहा, ठीक है, या वो किसने उसे खाने खाना की उपाधि दी, तो सैयद वंश का तीसरा शासक था
मोहम्मद शाह उसी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि मालवा के शासक महमूद खिलजी ने जब दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया उस समय शासन किसका था? मोहम्मद शाह का, सैयद वंश का शासक, तीसरा शासक मोहम्मद शाह का शासन था। और उस समय सहयोग दिया बहलोल लोदी ने, और जिससे कि वो मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराने में कामयाब रहा, और खुश होकर उसने बहलोल लोदी को पुत्र भी कहा और खाने खाना की उपाधि भी दी। बाद में अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह जो है, सैयद वंश का ही अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी 1451 में रिप्लेस करके लोदी वंश की स्थापना कर देगा। ये मैंने बता दिया था, ये बेसिकली इसने एक बहलोली सिक्का भी चलाया था। मैंने बताया था कि बहलोली सिक्का जो कि बाद में मुगलों के समय तक था वो, तो ये सब आपको ध्यान देना था, ठीक है। तो ये हमने बहलोल लोदी को पढ़ लिया था। बहलोल लोदी के कई पुत्र थे, लेकिन दो महत्वपूर्ण पुत्र की हम चर्चा करेंगे, बारबक शाह और सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी छोटा बेटा है, बारबक शाह बड़ा पुत्र है, ठीक है। तो बहलोल लोदी ने सिकंदर लोदी, जिसका एक नाम निजाम खान भी था, ठीक है, ओरिजिनल नाम बचपन का नाम आप कहें तो निजाम खान, ठीक है। तो ये बहलोल लोदी सिकंदर लोदी को वो अपना उत्तराधिकारी बनाता है, जबकि बारबक शाह को जौनपुर का राज्यपाल बनाता है। क्योंकि देखिए, जौनपुर में मैंने बताया था सरकी शासक थे, जौनपुर ईस्टर्न यूपी में पड़ेगा, ठीक है, ईस्टर्न यूपी में पड़ेगा जौनपुर। तो यहाँ पे सरकी शासक हुआ करते थे, और मैंने बताया था कि सरकी कौन थे। जौनपुर में सरकी शासकों ने सरकी वंश की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक, सॉरी तुगलक वंश के समय का एक वजीर था, कहते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय ही वो वजीर बना था। तो एक वजीर था ख्वाजाए जहां मलिक सरवर, तो उसी ने जौनपुर में सरकी शासक की स्थापना, शासन की स्थापना की थी, सरकी वंश की स्थापना की थी, और ये बहुत स्ट्रांग थे। तो बहलोल लोदी ने जौनपुर के सरकी शासकों को हरा कर क्या किया था, उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और वहीं पर इसने अपने बड़े पुत्र बारबक शाह को राज्यपाल बना दिया था। हालांकि बाद में सिकंदर लोदी बारबक शाह को हरा देगा, यहां पे मैंने लिखा है जौनपुर को, जौनपुर के बारे में लिखा है, सिकंदर लोदी इसको हटा देगा भाई को, ठीक है। तो ये बात थी। अब सिकंदर लोदी के बारे में यहां पर हम समझ लेते हैं। देखिए सिकंदर लोदी जो है इसको, ये तो संस्थापक ही है, तीन ही शासक हुए जिनको मैंने रेड से सर्किल किया हुआ है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी जो है देखिए, इसको ग्रेटेस्ट माना गया, सबसे प्रतापी राजा माना गया, और सबसे बेहतरीन शासक माना गया लोदी वंश का। ऐसा क्यों था? क्योंकि लोदी वंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, ठीक है। इसने धौलपुर जीता, ग्वालियर जीता, जौनपुर की चर्चा मैंने की, हाँ जौनपुर किसके पास था सिकंदर लोदी के समय? इसके भाई बारबक शाह के पास जौनपुर था, क्योंकि इसके पिता बहलोल लोदी ने इसे जौनपुर दिया था। सरकी शासकों को हराने के बाद जौनपुर को बहलोल लोदी ने दिल्ली साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, और यहां का गवर्नर बना दिया था, जबकि उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी को बनाया था, अपने छोटे बेटे को, ठीक है। तो जौनपुर जीत ले, मैंने भी बताया कि बारबक शाह को यह हटा देगा, तो यह जौनपुर जीतेगा और जौनपुर को अपने कब्जे में कर लेगा, यानी अपने भाई को हटा देगा, ठीक है, और बिहार को भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र थे जिसपे इसने कंट्रोल किया और दिल्ली सल्तनत का पार्ट बनाया। तो इसलिए सबसे ज्यादा विस्तार अगर पूछा जाए लोदी वंश का, सबसे ज्यादा यहां से सवाल बनेगा लोदी वंश का, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे देखिए लोदी वंश का सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय हुआ? तो सिकंदर लोदी के समय हुआ, यह आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा विस्तार सिकंदर लोदी, और इसीलिए इसको सबसे बड़ा शासक, ग्रेटेस्ट यानी कि महानतम शासक माना गया लोदी वंश का। और यही नहीं, और भी कारण थे, जैसे कि इसका स्पाई सिस्टम लोदी वंशों में बहुत स्ट्रांग था, स्पाई सिस्टम, एस्पियोनेज सिस्टम जिसको, गुप्तचर विभाग इसका बहुत स्ट्रांग था। इसने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में काम किया, तो सबसे ज्यादा काम इसी ने किया है। अगर आपको लोदी, सिकंदर लोदी पर कुछ लिखने के लिए आएगा कि क्यों उसे लोदी वंश का सबसे महान शासक,
महानतम या ग्रेटेस्ट या सबसे प्रतापी शासक मानते हैं तो विस्तार तो करेगा ही, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी बताऊंगा, तो आप उसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए इसके राजत्व के सिद्धांत को, राजत्व का सिद्धांत कहते हैं, तो याद रखिएगा ग्रेटेस्ट, इसके राजत्व यानी थियरी ऑफ किंगशिप, ठीक है, ग्रेटेस्ट क्यों है ये मैंने बताया और आगे भी जो चर्चा करूंगा उसमें आपको लगेगा कि ये ग्रेटेस्ट था, ठीक है। राजत्व यानी थियरी ऑफ किंगशिप में बहलोल से अलग, बहलोल लोदी से अलग था, ये निरंकुशता का प्रयास करेगा, डिक्टेटरशिप का प्रयास करेगा, क्यों अभी मैं बताऊंगा। देखिए बहलोल लोदी जो है, ये बहलोल लोदी अपने आप को वन एमोंग इक्वल समझता था, मैंने बताया था, क्योंकि अफगान में एक कबीलाई समाज था, अफगानिस्तान में ट्राइबल सोसाइटी थी, तो वहां पर सभी सरदार आपस में, जो ट्राइबल लोग हैं आपस में समानता का भाव रखते थे, और उस चीज को महसूस करते हुए बहलोल लोदी ने यह सोचा कि अगर वो समानता का भाव रखता है तो शासन को चलाने में उसे ज्यादा कामयाबी मिलेगी, इसलिए वो अपने अमीरों के साथ यानी नोबल्स के साथ, ठीक है, वो क्या करता था कि समानता का व्यवहार करता था, वो अपने आप को फर्स्ट एमंग इक्वल्स मानता था, ठीक है। तो वो क्या करता था कि राजगद्दी पे नहीं बैठता था बहलोल लोदी, डिक्टेटरशिप नहीं था इसके समय, ये राजगद्दी पे नहीं बैठेगा, ये कारपेट पे बैठेगा अमीरों के साथ, अफगान सरदारों के साथ, अमीरों के साथ ये बैठेगा कारपेट पे नीचे और उनके साथ डिस्कशन करेगा, तो ये समानता का भाव रखता था। लेकिन इसका पुत्र सिकंदर लोदी आते ही इस चीज को पलटने की कोशिश करेगा, निरंकुशता दिखाएगा, इसीलिए बहलोल से अलग है ये, इवन अमीरों को कहता था कि दरबार में खड़े रहो, ठीक है ना, ये राजगद्दी पे बैठता था, ठीक है, ये सुल्तान को कहता था कि सुल्तान सर्वोच्च है, ये राजगद्दी पे बैठता था और अमीरों को कहता था भाई खड़े रहो, तो ये इसने निरंकुशता का प्रयास जरूर किया लेकिन कहते हैं कि सीमित सफलता मिली, हालांकि निरंकुश था ये, तो ये राजत्व के सिद्धांत में निरंकुशता थी और इसलिए इसका राजत्व बहलोल लोदी के राजत्व से अलग है, और इससे भी ज्यादा आपको निरंकुशता मिलेगी इब्राहिम लोदी में, ठीक है, अभी मैं चर्चा करूंगा। अब देखिए यहां पर आगे हम देखते हैं सिकंदर लोदी के बारे में, इसने महत्वपूर्ण जो चीजें हैं एग्जामिनेशन पर्पज से, देखिए आगरा शहर बसाया और 1506 में आगरा को राजधानी बना दिया, इस तरह से दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान आप कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, आया भी है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर बसाया और उसने आगरा को राजधानी बनाया, तो आगरा को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान दिल्ली सल्तनत का कौन है, तो सिकंदर लोदी है। उसके बाद देखिए ये इसको एग्रीकल्चर में बड़ा इंटरेस्ट था, हाँ चाहता था कि आर्थिक विकास हो, इसके लिए एग्रीकल्चर जरूरी है, कृषि जरूरी है, तो उस भूमि की पैमाइश के लिए, कृषि के विकास के लिए एक नया इसने यूनिट चलाया, भूमि पैमाइश के लिए एक नई इकाई थी, मतलब पैमाइश का मतलब मेजरमेंट होता है, लैंड मेजरमेंट के लिए, उसको कहा गया गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी किसने चलाया भाई, तो सिकंदर लोदी ने, पर्पस क्या था, भूमि की पैमाइश, ये एक यूनिट था और पर्पस था एग्रीकल्चर को का ग्रोथ कराना, ठीक है, कृषि का विकास करना, ये बात थी। उसके बाद देखिए इस वजह से ही, देखिए सारी चीजें आप लिखेंगे क्यों ग्रेटेस्ट था, तो एक्सपेंशन तो हुआ ही, उसके बाद कई ऐसी चीजें ये करेगा जिससे कि आपको लगेगा कि ग्रेटेस्ट है। उसके बाद देखिए कुतुब मीनार में इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, देखिए जो गुलाम वंश का फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने तो शुरुआत ही कराई थी, मैंने पहले बताया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया और मरम्मत भी कराया, आगे फिरोज शाह तुगलक भी, तुगलक वंश का जो शासक है, हाँ एक मंजिल भी बनवाएगा और इसकी मरम्मत भी करवाएगा, और अंतिम शासक जो सिकंदर लोदी है ये भी जो सिकंदर लोदी है ये भी लोदी वंश का, ये भी क्या करता है कि मरम्मत कराता है कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार से एसोसिएटेड चार शासकों का नाम आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ कि कुतुब मीनार का संबंध किन चार शासकों के साथ है, ठीक है, तो आपको ये दे देगा ऑप्शन बना के चार, और दूसरे ऑप्शन में चार और शासक दे देगा, तीसरे ऑप्शन में चार और शासक दे देगा, या फिर दे देगा कि कौन संबंधित नहीं है कुतुब मीनार से, ठीक है, तो तीन इसमें से दे देगा नाम, एक कोई और दे देगा
जो इससे इतर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा कि वो संबंधित नहीं है। तो कुतुब मीनार से ये चारों संबंधित हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, हाँ, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको साहित्य का भी शौक था, म्यूजिक का शौक था, देखिए इसलिए इसको सबसे बेहतरीन शासक माना गया लोदी वंश का, ठीक है। यहाँ देखिए, ये कविता लिखता था फारसी में, किस नाम से, गुलरुखी के नाम से, ये इंपॉर्टेंट है, किस नाम से ये फारसी में कविताएं लिखता था, तो गुलरुखी के नाम से लिखता था। शहनाई का शौकीन था और शहनाई इसका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था। देखिए, लिटरेचर और आर्ट जब लिखने के लिए आएगा तो आप यहाँ से चीजों को उठा सकते हैं, ठीक है, उठा सकते हैं। शहनाई का शौकीन था। और देखिए, यही नहीं, इसने एक संगीत के ग्रंथ की भी रचना की, मैं यहां लिख देता हूं, संगीत के ग्रंथ की रचना की वो मैं लिख देता हूं, ये इसने रचना की सिकंदर लोदी ने। देखिए, दो किताबों की चर्चा करता हूं मैं, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। और देखिए, ये तो ये चूंकि यहां पे चर्चा हो रही थी शहनाई का, शहनाई इसका प्रिय इंस्ट्रूमेंट था, तो इसने एक लज्जते सिकंदर शाही, ये संगीत ग्रंथ था, इसको खुद सिकंदर लोदी ने लिखा था, संगीत का ग्रंथ था। चूंकि चर्चा हो रही है किताबों की, तो एक किताब आयुर्वेद का था जिसका इसके शासन काल में कराया गया था अनुवाद, यहां मैं लिख देता हूं, पहले इसको लिख लीजिए, ये लज्जते सिकंदर शाही, ये इंपॉर्टेंट है, ये संगीत का ग्रंथ है और खुद लिखा था सिकंदर लोदी ने। चूंकि ये शौकीन है शहनाई का और संगीत की चर्चा हुई, इसलिए मैंने यहां बता दिया। तो साहित्य में देखिए, गुलरुखी नाम से ये कविताएं भी लिख रहा है फारसी में, शहनाई का शौकीन भी है और खुद एक किताब लिखता है लज्जते सिकंदर शाही, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इसके समय, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के शासनकाल में एक और बुक है, हंगे सिकंदरी, ठीक है, ये फरहंगे सिकंदरी एक ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, एक आयुर्वेद की किताब का अनुवाद किया गया है, संस्कृत में था ओरिजिनली और इसको फारसी में अनुवाद किया गया, फारसी में अनुवाद के बाद ये फरहंगे सिकंदरी इसका नाम रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, ये तो खुद लिखा लज्जते सिकंदर शाही सिकंदर लोदी ने, जबकि फरहंगे सिकंदरी जो है ये एक आयुर्वेद की किताब है और ट्रांसलेटेड है, किसमें अनुवाद है, एक फारसी अनुवाद है, एक कोई आयुर्वेद बुक था संस्कृत में, उसी का फारसी अनुवाद है फरहंगे सिकंदरी, और ये अनुवाद इसी के समय में कराया गया, इसके शासनकाल में, ये खुद नहीं लिखा, इसने खुद अनुवाद नहीं किया है, ये जो राइटर है, ये राइटर है लज्जते सिकंदर शाही का, और लज्जते सिकंदर शाही संगीत ग्रंथ है, ठीक है, यहां तक। अब देखिए, इसके अलावा ये धार्मिक रूप से असहिष्णु भी है, धार्मिक रूप से असहिष्णु, देखिए ये जजिया लगा देता है, ठीक है, ये जजिया लगाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जजिया क्या था, जो नॉन मुस्लिम्स और खासकर हिंदुओं पर लगता था, यानी ये हिंदुओं को लेकर, यानी नॉन मुस्लिम्स को लेकर और खासकर हिंदुओं को, ये असहिष्णु था। और क्यों था, इसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि देखिए बहलोल लोदी जो इसका पिता है, उसकी दो शादियां थी, एक शादी मुस्लिम लड़की से थी और दूसरी शादी जो थी, इसकी दूसरी बीवी जो थी अंबा, वो हिंदू थी। तो ये फिरोज शाह तुगलक की ही तरह, चूंकि इसकी मां सिकंदर लोदी की मां हिंदू थी अंबा, तो ये भी जैसे फिरोज शाह तुगलक था तुगलक डायनेस्टी में, ये भी फिरोज शाह तुगलक की तरह ही, फिरोज शाह तुगलक की मां भी हिंदू थी। तो ये दिखाना चाहता था कि वो ये उन मुसलमानों से कहीं भी कम नहीं है जो वास्तव में
मुस्लिम माँ बाप की संतान है, इसलिए इसने हिंदुओं के प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाया, निरंकुशता से पेश आया, ठीक है, और उन पे अत्याचार भी करने की कोशिश की, यहां तक कि कन्वर्ट करने की कोशिश की, हाँ कन्वर्जन की भी कोशिश की कि हिंदू जो हैं वो मुसलमान बन जाएं। और साथ ही इसने जजिया लगाया जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, ठीक है। जजिया के बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले सिंध के क्षेत्र में, याद रखिएगा ये सिंध जो है यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब 712 AD में प्रथम सफल मुस्लिम अटैक सिंध पर होता है तो वहीं पे लगाया जाता है, देवल के क्षेत्र में, ठीक है, सिंध के देवल में लगाया जाता है जजिया, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले जजिया को मैंने बताया था कि महिलाओं, जजिया जो है वो महिलाओं पे नहीं लगता था, बच्चों पे नहीं लगता था, विकलांगों पे नहीं लगता था, बुजुर्गों पे, बूढ़ों पे नहीं लगता था और सैनिकों पे नहीं लगता था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था, ये प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, तो ये भी धार्मिक रूप से असहिष्णु है। और देखिए ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में आरसी मजुमदार एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा था कि फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, धर्मांधता के मामले में, हाँ यानी कि धार्मिक असहिष्णुता के मामले में, धर्मांधता के मामले में वो औरंगजेब और सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी है, यानी जितना ही असहिष्णु फिरोज शाह तुगलक था, ये FST, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, उतना ही असहिष्णु और धार्मिक रूप से, जिसको कहते हैं धर्म को लेकर पागलपन, धर्मांध, वो कौन था, तो सिकंदर लोदी था, ये कहते हैं आरसी मजुमदार। उन्होंने औरंगजेब के बारे में भी यही बात कही है और उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी यही बात कही है कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक जैसे शासक जो हैं वो औरंगजेब और सिकंदर लोदी थे। और फिरोज शाह तुगलक आप जानते हैं कि एक रिलीजियसली वो फैनेटिक था, हाँ धर्मांधता थी बहुत ज़्यादा और उसने भी हिंदुओं पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। अब देखिए जजिया तो लगाता ही है, देखिए कई मंदिरों को तोड़ेगा जिसमें प्रमुख मंदिर नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर उसने तोड़ा, और जो टुकड़े थे, जो तोड़ने के बाद जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को मांस तोलने के लिए इसने कसाईयों को दे दिया था, ध्यान रखिएगा मांस तोलने के लिए कसाई। तो ये देखिए हिंदुओं पर अत्याचार है, कन्वर्जन का प्रयास करता है, हाँ कि हिंदू मुसलमान बन जाए, उनको तरह तरह से टॉर्चर करता है, जजिया रीइम्पोज करता है, जजिया लगाता है, तो ये सब चीजें आप देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत आप अगर चर्चा कर लें तो देखिए इसके समय एक तो गुप्तचर विभाग बहुत स्ट्रांग था, ध्यान रखिएगा गुप्तचर विभाग बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, लोदी वंश में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग गुप्तचर किसके समय था, तो गुप्तचर विभाग बहुत स्ट्रांग था। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी गिरावट आ गई थी, काफ़ी सस्ते हो गए थे, ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ मैंने एरो किया है, तो ये आवश्यक वस्तु जो है ना काफ़ी सस्ते हो गए थे। इसका रीज़न ये था कि इसने बहुत ट्रेड पर से, व्यापार पर से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे और बहुत सारे कर इसने हटा दिए थे, जिसकी वजह से खाने का सामान, हाँ वस्त्र, ये सब बहुत सस्ते हो गए थे मार्केट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसने मार्केट को भी एक तरह से कंट्रोल किया था। तो एक तो गुप्तचर विभाग बहुत ही शानदार इसका था और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जो थी वो काफ़ी नीचे आ गई थी, और आवश्यक वस्तुओं में कौन सा है, खाने का सामान है, ठीक है, वस्त्र है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, लिखने के लिए भी अगर आपसे कहा जाए कि क्यों ग्रेटेस्ट था, तो देखिए एक तो ग्रेटेस्ट जो है इसका एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा है, इसके समय साहित्य भी चल रहा है, ये कविताओं का भी शौकीन है, इसने आगरा को राजधानी बना दिया और वहाँ पे उसने आगरा शहर बसाया और उसको राजधानी बना दिया, ठीक है। और इसने देखिए गुप्तचर विभाग को बहुत स्ट्रांग किया, गुप्तचर विभाग स्ट्रांग था तभी ये एक्सपेंशन करने में कामयाब भी रहा, ताकि कंट्रोल किया जा सके, हाँ पूरे सिस्टम को, इसलिए गुप्तचर, स्पाई यानी जासूसों की बहुत तगड़ी
एक उसने व्यवस्था की थी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो काफ़ी नीचे कर दी थी, क्योंकि इसने ट्रेड पर से, व्यापार पर से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हटा लिए थे, बहुत सारे कर जो हैं उनको ख़त्म कर दिया था। ये था। इसके अलावा देखिए और भी चीज़ें थी, हिंदुओं पर तो ज़्यादती की ही, कुछ चीज़ें और थी आप लिख लीजिएगा, जैसे कि मुसलमानों में भी इसने संतों और मजारों पर मुस्लिम महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाने से, संतों के पास और मजारों पर, ठीक है। इसने मुहर्रम और ताजिया, मुहर्रम मनाने पर और ताजिया निकालने पर, जो मुसलमानों का एक त्यौहार होता है, उस पर भी इसने रोक लगाया था, ठीक है। तो बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि हिंदुओं के प्रति वो असहिष्णु था, और कई बार आप देखेंगे कि मुसलमानों पर भी उसने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, ठीक है। तो सिकंदर लोदी के बारे में ये हमने जान लिया। यहाँ पर देखिए मैंने बताया ये बेटा है किसका, बहलोल लोदी का, ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, जबकि यहीं पे मैंने आपको बताया था बारबक शाह था, जिसको जौनपुर का राज्यपाल बनाता है बहलोल लोदी, हाँ वो छोटा बेटा है, लेकिन सिकंदर लोदी यानी निज़ाम खान जिसका बचपन का नाम है उसको ये अपना उत्तराधिकारी बनाता है, ठीक है। सबसे ग्रेट, ये ग्रेटेस्ट है आप देखेंगे लोदी वंश में, ग्रेटेस्ट शासक, क्योंकि सबसे ज़्यादा विस्तार किसके समय में हुआ, ये सवाल आएगा कि लोदी वंश में सबसे ज़्यादा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो सिकंदर लोदी के समय में, ठीक है। धौलपुर, ग्वालियर, जौनपुर, बिहार तो प्रमुख रूप से जीते गए, और भी क्षेत्रों को इसने जीता। राजत्व के सिद्धांत में बहलोल से अलग है, निरंकुश है, मैंने बताया कि ये सरदारों के साथ, जैसे बहलोल बैठता था कारपेट पे, बहलोल जो है ये राजगद्दी पे नहीं बैठता था, समानता से पेश आता था, उसको इसने ख़त्म करने का प्रयास किया। और इवन इसने अफगान सरदारों को, अमीरों को, नोबल्स को कहा कि आप हमारे सामने खड़े रहिए, ठीक है, आप हमसे नीचे हैं, जबकि ये कहता था सुल्तान बहुत ऊपर है, ये कहता था, जबकि बहलोल लोदी कहता था कि वो बराबर है, फर्स्ट अमंग इक्वल मानता था, ठीक है। उसके अलावा आगरा शहर बसाया, गजे सिकंदरी, ठीक है ना, ठीक है, सारे जो काम कर रहा है ना, वो आपको लगेगा कि लोदी वंश में सबसे ज़्यादा काम इसने किया, ठीक है। कुछ बुरे भी किए, कुछ अच्छे भी किए, लेकिन अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा काम करने वाला, ठीक है, चाहे वो जीत हो, विजय अभियान हो, एक्सपीडिशंस हो, ठीक है, विक्ट्री एक्सपीडिशंस, चाहे वो कृषि पर काम करने का की बात हो, कृषि क्षेत्र में उसने भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी वो लेके आता है, ठीक है, चाहे वो साहित्य का के क्षेत्र में हो, चाहे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप देखिए कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराएगा, ठीक है, और चाहे अगर देखें तो कुछ मामलों में ये देखेंगे तो आपको असहिष्णुता भी इसमें दिखाई देगा, जैसे ये बहुत ही ज़बरदस्त अत्याचार है, ज्वालामुखी मंदिर तोड़ना और फिर उन मंदिर के टुकड़ों को उस मंदिर के टुकड़ों को कसाईयों को दे देना कि भाई आप मांस इससे तोल लो, तो ये सब एक धार्मिक असहिष्णुता का परिचय है। तो जैसे भी लिखने के लिए आएगा, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो मुसलमानों पर मैंने कहा, मुस्लिम महिलाओं को संतों और मजारों, संतों के पास जाने से रोका, मजारों पर जाने से रोका, ठीक है, उसके अलावा ताजिया निकालने और मुहर्रम पे भी इसने रोक लगा दिया था, तो ये सब चीज़ें मुस्लिमों पर भी था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं इब्राहिम लोदी, जो हमारा अंतिम शासक है लोदी वंश का। तो देखिए अगर हम इसके राजत्व को देखें तो अलाउद्दीन खिलजी, एक चीज़ बता दूं कि ये गले में इसकी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी 1517 में, उसके बाद इब्राहिम लोदी आ जाएगा। और इब्राहिम लोदी, इसके भी दो बेटे जलाल खान और इब्राहिम लोदी। अब देखिए मैंने बताया कि बहलोल लोदी ने अपने बेटे बारबक शाह को जौनपुर दिया, लेकिन जौनपुर छीन लेता है सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी के पास जौनपुर है, जब सिकंदर लोदी की मृत्यु होगी तो अफगान जो नोबल्स हैं ये बंटवारा कर देंगे, जलाल खान को जौनपुर दे देंगे और इब्राहिम लोदी तो शासक बन ही जाएगा, दिल्ली और आगरा रहेगा इसके पास। लेकिन फिर इब्राहिम लोदी जलाल खान को भी हटा दे, इब्राहिम लोदी पहले तो मान जाएगा इस बंटवारे को, लेकिन बाद में जलाल खान को हटा देगा यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद और आगे देखिए कि इसके राजत्व के सिद्धांत को अगर हम देखें, थियरी ऑफ किंगशिप को, तो इसके थियरी ऑफ किंगशिप में अलाउद्दीन खिलजी और बलबन की झलक मिलेगी। बलबन की तरह ही ये क्या करता था, बहुत ही कठोरता से सबके साथ पेश आता था, और अलाउद्दीन खिलजी की तरह ये कहता था कि सुल्तान सर्वोच्च होता है, सुल्तान से ऊपर कोई नहीं है, हाँ, और सुल्तान का कोई
सगा संबंधी नहीं होता। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी भी यही कहता था कि सुल्तान का कोई सगा संबंधी भी नहीं होता। तो यह आपका सवाल बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की तरह दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा सुल्तान था जो कहता था कि सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता। तो आपको इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इसको देखेंगे आप, निरंकुशता की पराकाष्ठा देखेंगे। ये बिल्कुल जेनेरस है, सबके साथ समानता से पेश आता है। ये थोड़ा निरंकुशता का प्रयास करता है सिकंदर लोदी, और सबसे ज्यादा अगर निरंकुश कोई है इसमें तो इब्राहिम लोदी है। निरंकुशता का प्रयास ये भी करता है लेकिन ये सीमित सफलता इसको मिलती है। और इब्राहिम लोदी सबसे ज्यादा निरंकुश है, कई सरदारों को मार देगा, जेल कर देगा, ठीक है, जेल में डाल देगा, ये सब करेगा और बहुत अत्याचार करेगा अफगान सरदारों पर, नोबल्स पे। ठीक है, और इसी वजह से आलम खान जो इसका चाचा है नाराज होगा, नोबल्स थे वो, अफगान सरदार थे। और दौलत खान लोदी जो कि पंजाब का गवर्नर था, ये दोनों तंग आकर इब्राहिम लोदी से आमंत्रण दे देंगे बाबर को। ये बाबर पहले अफगान, पहले सेंट्रल एशिया में से आया था और इसने काबुल में, अफगानिस्तान में अपनी जगह बनाई थी। और ये आमंत्रण देंगे आलम खान और दौलत खान लोदी, आमंत्रण देंगे किसे, बाबर को। और फिर बाबर आएगा हाँ भारत में, और पानीपत की लड़ाई होगी कहाँ पे, हरियाणा में। बाबर आएगा और पानीपत का फर्स्ट बैटल होगा 1526 में, और वहीं पे इब्राहिम लोदी हार जाएगा। बहुत बड़ी सेना थी इब्राहिम लोदी के पास, बाबर के पास एक छोटी सेना थी, इसके कंपेरेटिवली बहुत छोटी सेना थी। आगे हम जब पढ़ेंगे मुगल सल्तनत को तो वहां पे हम बात करेंगे। तो उसके बाद बाबर आएगा और पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया जाएगा बाबर के द्वारा। और इस तरह से भारत में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। और इसी युद्ध में, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो सवाल ये बनता है कि युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत का अगर आपसे पूछा जाए, दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान, प्रथम सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया, या वो सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया, तो इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक। तो इस तरह से हमने लोदी वंश को बहुत अच्छे तरह से खत्म कर लिया। ठीक है, जहां जहां होगा यहां पे मैंने बता दिया है, कहीं कहीं सारी बातें नहीं लिखी है, सिर्फ बता दिया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि जब बाबर आता है तो बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती, क्यों, क्योंकि पहली बार यहाँ पे आर्टिलरी का, तोपों का इस्तेमाल किया गया, और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नाम के दो प्रमुख तोपची थे बाबर की सेना में, जो जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया इस लड़ाई में, और जिसकी वजह से बाबर को जीत मिली। आगे हम देखेंगे सारा डिटेल में, मुस्तफ़ा अली और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये दो प्रमुख तोपची थे जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी, या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया, तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किस लड़ाई में मारा गया, तो पानीपत के पहली लड़ाई में। हाँ, किसके खिलाफ ये लड़ाई हुई थी, तो बाबर के खिलाफ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई हुई थी। तो इस तरह से हमने दिल्ली सल्तनत के जो सारे वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, पांचों वंशों को खत्म कर लिया। इसके अलावा कुछ और टॉपिक आपके बनेंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन है, सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, हाँ, खलीफा और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का संबंध है, इस पर हम अलग अलग वीडियो करते रहेंगे। ठीक है, अभी करेंगे हम, तो उसको हम देखेंगे। और इसके अलावा कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स होंगे जो कि दिल्ली सल्तनत के समय थे, जैसे कि कश्मीर था, इसके अलावा बहमनी किंगडम, हाँ, और बहमनी किंगडम और विजयनगर साम्राज्य, जो कि ये बहमनी किंगडम, ये विजयनगर साम्राज्य जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टॉपिक जो बचेंगे वो देखेंगे, जैसे भक्ति मूवमेंट को भी हम देखेंगे, तो इन सब चीज़ों को देखते रहेंगे। लेकिन वंशों के रूप में जो प्रमुख पांच वंश थे उसमें हमने पूरा पांच वंश जो दिल्ली सल्तनत का था इसको खत्म कर दिया है। और इसके बाद जो वंश आएंगे, प्रमुख वंश, अब वंश आएंगे
मुगल वंश, ठीक है, अब मुगल वंश होगा मेडाइवल हिस्ट्री में, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जो है करनी है तो उसको भी हम करेंगे। दिल्ली सल्तनत, इकता व्यवस्था पे हमें अलग से टॉपिक करनी है, वो सब करते रहेंगे, लेकिन हमने प्रमुख वंशों को खत्म कर दिया। तो आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।